हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आंखें कितनी छोटी होती हैं, पर इसमें पूरे आसमान को देखने का हुनर होता है। आंखें मानव शरीर का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग होती है। आंखें ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। जिसके पास ये है उसकी जिंदगी रंगीन और चमकदार है। जिसके पास ये नहीं उसके लिए जिंदगी अंधेरे कुएं जैसी है, जहां आवाजें गूंजती हैं लेकिन कोई अक्स नजर नहीं आता। आंखें आत्मा का आईना और हृदय तक पहुंचने का द्वार होती है। इसी अनमोल तोहफे को सलामत रखने के लिए सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल के द्वारा 3 फरवरी को हसनगंज तहसील के भिखारी खेड़ा में एक निशुल्क आई केयर कैंप लगाया गया था। इस कैंप में मोतियाबिंद समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोगों का निशुल्क ऑपरेशन किया गया था। इसी कड़ी में ऑपरेशन के बाद आंखों की जांच के लिए नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल के द्वारा एक और कैंप लगाया गया। इस कैंप में ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों का परीक्षण कराने के लिए करीब 150 लोग हसनगंज तहसील के भिखारी खेड़ा गाँव आए। यहाँ पर कानपुर के CI हॉस्पिटल के डॉक्टर के मिश्रा ने सभी मरीजों की आंखों की रोशनी की जांच की। इस जांच में ऑपरेशन कराने वाले सभी लोगों की आंखें बिल्कुल स्वस्थ मिली। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं पुत्तन लाल पाल ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान पुत्र तारावती पाल ग्राम पंचायत सिंगापुर एवं संस्थापक अध्यक्ष हमारी संस्था नवयुग चेतना सेवा संस्थान उन्ना हूँ। मैं हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे की भावना से विगत 11 वर्षों से इसी हमारे दरवाजे पर हम बूढ़ों की सेवा करें कभी हम भी बूढ़े होंगे की भावना से एक निःशुल्क मोतियाबिंद आई कैंप का आयोजन करता चला रहा हूँ, जिसमें आज 11 साल के अंदर कम से कम 5 से 6 हजार लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन हुए हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये हमारा 11वां मोतियाबिंद आई कैंप था, जिसमें सैकड़ों लोग 3 फरवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिनको हम कानपुर जाकर के इनका ऑपरेशन कराया था, निःशुल्क ऑपरेशन कराया था। और 3 फरवरी के बाद में आज 13 फरवरी है, 13 फरवरी को हमारे भी डॉक्टर कानपुर से आ रहे हैं। डॉक्टर इनका परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है और उनको फिर दवा देंगे। और दवा देने के बाद 1 महीने के बाद इनको हमें आप तारीख बताएंगे, फिर इनको हम निःशुल्क चेहरे चश्मे देंगे। जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं हम बूढ़ों की सेवा करें जब हम बूढ़े होंगे की भावना से आयोजित हमारा ये 11वें निःशुल्क आई कैंप के 3 फरवरी के हुए मरीजों की भीड़ है, जो आज यहाँ पर डॉक्टरों के माध्यम से अपनी आंखों की जांच कराएंगे और आगे 1 महीने के बाद अपना चश्मा ले जाएंगे। ये हमारा जो आज की जो भीड़ बैठी हुई है ये हमारी आई कैंप की। अच्छा, इस काम का आयोजन कौन करता है? यहाँ भिखारी के पुत्तन भैया हमारे पुत्तन भैया करते हैं। तो अच्छा, जब ऑपरेशन कराने गए थे ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई पैसे तो नहीं पड़े वहाँ पे? पैसा नहीं पड़ा। एक पैसे नहीं पड़ा? काम हुआ है, फ्री में काम हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, ऑपरेशन के बाद अब दोबारा चेकअप कराने के लिए जी, तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पे कैसे? आज यहाँ पे आँखें दिखाने आए ना, पहले दिन आया। अच्छा, पहले दिन आँखें दिखाने आए थे? आज दिखाने आए ना, वही दिन ऑपरेशन करावा आ रहा। 3 तारीख 3 फरवरी को ऑपरेशन कराने आई थी? अच्छा, तो भिखारी खेड़ा में जो 3 तारीख को ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के लिए गई थी, आज आप आँखें दिखाने आई? अच्छा, तो ऑपरेशन सही से हो गया था? अच्छा, वही इस जांच को कराने आए लोगों ने संस्था के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल की सेवा भाव की तारीफ की। उन्होंने कहा, जहां आज के समय में अपने सगे दुख और मुसीबत के समय में साथ छोड़ देते हैं, वहीं पुत्तन लाल पाल बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। लोगों ने पुत्तन लाल पाल के इस सेवा भाव के लिए उन्हें खुले दिल से दुआएं और अपना आशीर्वाद दिया। संवाददाता अजय सुजीत धानुक की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिवर्सिटी।